एक योग्य मनुष्य हमेशा बदलाव लाने के लिए अग्रसर होता है। वो सोचता है कि जब आंतरिक स्तर पे बदलाव आएंगे तो बाह्यतम स्तर पे बदलाव स्वतः आएंगे। लेकिन उसका जो अपना अनुभव होता है वो उसके लिए बहुत ही मूल्यवान होता है। वो तो सही होता है, वो आदर्श की नींव तो रखता ही है, पर उसके जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं, जो उससे जुड़े हुए लोग होते हैं, वो उतना अनुभवी नहीं होते हैं। उनके विश्वास की परिपक्वता उस हद तक नहीं होती है, तो परिणाम क्या होते हैं? वो व्यक्ति बोलते जाता है, बोलते जाता है, बोलते जाता है। अगला को सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन अगला विश्वास नहीं करता है। परिणाम स्वरूप जो अपेक्षा होती है एक अनुभवी व्यक्ति की अपने शागिर्दों से या फिर अपने परिजनों से, मित्रगणों से, जीवन साथी से, पुत्र से, वो अपेक्षा के अनुरूप खरा नहीं उतरते, अपितु वो अपेक्षा की उपेक्षा कर देते हैं। और जब अपेक्षा की उपेक्षा होती है तो व्यक्ति असमर्थ होता है। एक इंसान असफलताओं से जितना नहीं टूटता है उससे ज्यादा वो उपेक्षाओं से टूटता है। और उपेक्षा भी अपने लोगों के द्वारा ही होती है, तभी वो टूटता है। अन्यथा वो अन्य उपेक्षाओं के द्वारा तनिक भी प्रभावित नहीं होता। इसके उपरांत जब एक अनुभवी मनुष्य अपने मार्ग पे अडिग होता है और सही होता है, उस समय में उसको जब तिरस्कृत किया जाता है, वो जब सामने वाले के लिए कल्याण की बातें करता है, ज्ञान की बातें करता है, चरित्र निर्माण की बातें करता है, उत्थान की बातें करता है, तो ऐसे इस परिस्थिति में जब अगला उसके ज्ञान द्वारा होने वाले परोपकार की अनदेखी करके आक्षेप लगाता है, कटाक्ष करता है, तो उस परिस्थिति में जब स्थिति बहुत ही हास्यास्पद और भयावह हो चुकी होती है एक योग्य व्यक्ति के लिए, वो व्यक्ति विडंबना का शिकार हो जाता है। पकी हुई मछली जल में तैर कर चली जाती है। और ऐसी ही परिस्थिति जो है वो कहर का रूप लेती है। पर कहा जाता है कि डेज ऑफ एडवर्सिटी आर स्वीट। तो जब विपत्ति के दिन मीठे होते, जब सर्वाधिक विपत्ति होती है, तब उजाला नजदीक होता है। मनुष्य को अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। और एक टर्म है पैडल योर ऑन कैनू। तो पैडल योर ऑन कैनू का स्पष्ट मतलब होता है अपनी ही शक्ति पर भरोसा करो, अपनी ही शक्ति पर भरोसा करो।
सेल्फ रिलायंट पर्सन बनो। सेल्फ रिलायंस बहुत ही बड़ी चीज है। सेल्फ कॉन्फिडेंट जो नहीं है उसका सर्वाइव करना ही पॉसिबल नहीं है। तो सेल्फ डिपेंडेंट तो होना ही चाहिए एक मनुष्य को। आत्मनिर्भरता के बगैर पुरुषार्थ की प्रकाष्ठा नहीं पॉसिबल है, और जब पुरुषार्थ की प्रकाष्ठा नहीं तब कुछ भी नहीं। इस बात पे गौर कीजिए आप, जैसे 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 आप आगे बढ़ेंगे आप पाएंगे कि लोग जो है वो लाभार्थी होना ज्यादा पसंद करते हैं, सहकर्मी होने की अपेक्षा। तो धैर्यवान बनिए और स्वयं ही अपने कार्य को संपादित कीजिए। लोग आवश्यकता अनुसार स्वतः अनुसरण कर लेंगे, उससे ज्यादा वो अनुसरण नहीं करेंगे। आवश्यकता अनुसार ही अनुसरण करेंगे, उससे ज्यादा अनुसरण वो नहीं करने वाले। तो उम्मीद भी मत कीजिए। आपका समय आएगा, आप आगे बढ़ जाएंगे। सारी विपदा आपसे ही हल होने वाली है, कोई और नहीं करने वाला है। जब नियत सही हो तो स्पष्ट है कि नियति भी सही ही होगी।